हेलो पीपल एंड वेलकम टू चैनल डी फॉर डिक्शनरी। इस चैनल पे वो वीडियोस आएंगी जो आपकी इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव करेंगी। तो अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो अभी जो सीरीज़ चल रही है उसके अंडर हम देखते हैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, हर अल्फ़ाबेट के रिलेटेड, उनके मीनिंग्स और उन पर क्या सेंटेंस फ्रेम हो सकता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अल्फ़ाबेट आई से स्टार्ट होने वाले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, उनके मीनिंग्स के साथ और उनके सेंटेंसेस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज इनकॉग्निटो, मीनिंग इनडिस्ग्यूज, कंसील्ड, मीन्स भेष बदले हुए, गुप्त, प्रछन्न या बिना लोगों की नजरों में आए। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज मूवी स्टार्स ऑफन प्रेफर टू ट्रैवल इनकॉग्निटो। बड़े बड़े कलाकार लोगों की नजरों में बिना आए आगे पीछे जाना पसंद करते हैं। सेकेंड वर्ड इज इनकॉर्पोरेट, मीनिंग यूनाइटेड इन अ कॉर्पोरेशन, मीन्स एक किया हुआ या संयुक्त। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज वी विल इनकॉर्पोरेट योर सजेशन इन द न्यू प्लान। हम तुम्हारी दी गई सलाह को हमारे नए प्लान में ज़रूर शामिल करेंगे। थर्ड वर्ड इज इनडिसाइसिव, मीनिंग इरेजोल्यूट, अनडिसाइडेड, हेजिटेटिंग, मीन्स अस्थिर, अनिश्चित, संदिग्ध। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज एन इनडिसाइसिव मैन कुड नेवर रन द कंट्री। एक अस्थिर व्यक्ति कभी भी एक देश को नहीं चला सकता। फोर्थ वर्ड इज इंडिक्ट, मीनिंग टू चार्ज विद अ क्राइम, टू अक्यूज, मीन्स अपराध या दोष लगाना। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज इट्स टाइम टू इंडिक्ट, ट्राई एंड कन्विक्ट द मर्डरर्स ऑफ फेब्रुअरी 24। ये सही वक्त है उन अपराधियों पर दोष लगाने का जिन्होंने 24 फरवरी को खून किया था। फिफ्थ वर्ड इज इंडिस्पेंसेबल, मीनिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी, मीन्स अति आवश्यक या परित्याग ना करने योग्य। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज शी इज क्वाइट इंडिस्पेंसेबल टू द कंपनी। वो बहुत जरूरी है इस कंपनी के लिए। सिक्स्थ वर्ड विद अल्फाबेट आई इज इनएडिबल, मीनिंग नॉट फिट टू बी ईटन, मीन्स जो ना खाने योग्य हो। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज दीज केमिकल्स मेक द फ्रूट इनएडिबल। ये कुछ रसायन फलों को ना खाने योग्य बना देते हैं। सेवेंथ एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज वीडियो इज इनएफिशिएंट, मीनिंग इनएफेक्टिव, मीन्स निष्फल या अयोग्यता। सेंटेंस विच कैन बी फ्रेम्ड इज बिकॉज ऑफ हर इनएफिशिएंसी वी गॉट ऑल द वर्क डन लेट। उसकी अयोग्यता की वजह से हमारा सारा काम देर से हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें एंड इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बना देंगे। क्वेश्चन वन या फैक्ट वन, आप कह सकते हैं हाउ पेंगुइन्स कैन ड्रिंक मैराइन ओशन वाटर। पेंगुइन्स समुद्र का पानी कैसे पी सकते हैं जबकि हम इंसान समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसके अंदर नमक होता है। हम जानते हैं कि हमारी धरती पर 70% पानी है जिसमें से 97% समुद्र का पानी है और वो पानी खारा होता है, लेकिन पेंगुइन्स उस पानी को पी सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उस पानी को नेचुरली फिल्टर कर देती है। वो कैसे? क्योंकि उनकी बॉडी में एक ऐसी ग्रंथि होती है, ग्रंथि यानी ग्लैंड। वो ग्लैंड का नाम है सब ऑर्बिटल ग्लैंड, जो उस पानी को फिल्टर कर देती है और उनकी बॉडी को साफ पानी मिलता है। क्या ये फैक्ट आप पहले जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर टू, हवा महल इज स्टैंडिंग विदाउट एनी फाउंडेशन। हवा महल जो जयपुर में स्थित है वो बिना नींव के खड़ा है इतने सालों से। ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी बहुमंजिला इमारत है जो बिना नींव के बहुत सालों से खड़ी है। क्या आप ये फैक्ट हवा महल के बारे में जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।